असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। और वो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना, उसमें इलाज होता है। 750 बेड का हॉस्पिटल है वो ऊपर का, वो बिल्डिंग जो दिख रहा है उसमें 750 बेड का हॉस्पिटल है और 1250 करोड़ रुपए का ये एम्स है। देखिए आप लोग सब कितना अच्छा लग रहा है भाई। कुछ नहीं बना है, एम्स नहीं बना दिख रहा है। एम्स नहीं बना दिखता है, वो बिल्डिंग नहीं दिख रहा है एम्स। हाँ, वो बड़ा बिल्डिंग है, नहीं बना हुआ है। हाँ, बड़ा है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूँ मिथुन कुमार। दोस्तों, अभी हम दरभंगा में है जहाँ पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो हमारे पीछे देखिए, यही दरभंगा का एम्स है जो खुला पड़ा हुआ है। मोदी जी जिस हिसाब से कहें कि एम्स वहाँ चालू है, खुल गया हुआ है, तो यही हमारे पीछे एम्स है जो बनकर तैयार है। इसमें आप लोग आइए और इलाज कराइए। ये एम्स बना हुआ है, देखिए सब बिल्डिंग बना हुआ है, अच्छा अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है। देखिए सब में इलाज लिखा हुआ है, ये विभाग है, ये विभाग है, ये विभाग है, सब में एम्स बनकर तैयार है। आप लोग आइए और इलाज कराइए। इतना बड़ा झूठ मोदी जी का है। अब इस झूठ में हम बिहार सरकार को दोषी दे कि मोदी जी को दोषी दे, पब्लिक यहाँ की पीस रही है। दरभंगा सहित उत्तरी बिहार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, यहाँ की जनता इस बिहार सरकार की राजनीति में और केंद्र सरकार की राजनीति में पीस रही है। लेकिन ये एम्स बनने का नामो निशान नहीं।